नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ आस्था चौहान एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ औरंगाबाद, दैट इज़ माय बेसिक मेकाट्रॉनिक्स ट्रेनिंग। सो बिफोर जंपिंग टू माय एक्सपीरियंस, जिनको नहीं पता कि मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है, लेट मी गिव यू अ क्विक आइडिया अबाउट मेकाट्रॉनिक्स। सो बेसिकली मेकाट्रॉनिक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, मेका फ्रॉम मैकेनिज्म एंड ट्रॉनिक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड दे टुगेदर मेड मेकाट्रॉनिक्स। सो इफ आई गो फॉर द डेफिनेशन, मेकाट्रॉनिक्स इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर कंट्रोल फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। तो अगर अब मैं मोटे मोटे शब्दों में बोलूं, मेकाट्रॉनिक्स इन इंजीनियरिंग ब्रांचेस का वो इंटरसेक्शन है जहां पर हम चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम ऐसे एफिशिएंट या स्मार्ट तरीके निकालते हैं जिनसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकें। सो अब चलते हैं मेरे बेसिक मेकाट्रॉनिक्स ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस की तरफ। तो अभी तक जो भी हमने कोरोना की वजह से सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा था, अब बारी थी उसको ऑफलाइन प्रैक्टिकल करने की। एंड ऑब्वियसली हम प्रैक्टिकल करने जा रहे थे तो ग्राउंड नॉलेज तो बनती है। सो मेकाट्रॉनिक्स में मेजरली कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट आर सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, पीएलसी प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो हमने इन सभी की बेसिक नॉलेज गेन की, एंड नॉट ओनली थियोरेटिकली बट हमने इनको सबको प्रैक्टिकली भी देखा कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके स्टोरेज तक ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक्चुएटर्स हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर्स है, ETC सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा इन शॉर्ट। एंड हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क भी दिए गए थे कि इनको आइडेंटिफाई करो, ये यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहे हैं, इनकी वायरिंग कहाँ जा रही है और इनका एप्लीकेशन क्या है। सो हमने सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया, एंड दैट वाज रियली एक्साइटेड कि हमने ये अभी तक सिर्फ पिक्चर्स में देखा था और हमने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा था, अब वो सब हमें देखने को मिल रहा है। सो ये सब पढ़ने के बाद हमें एक मिनी फैक्ट्री विज़िट कराई गई, जहाँ पर एक 3D प्रिंटिंग कैबिन भी था और वहाँ पे इंजेक्शन कास्टिंग से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमें ये तो पता था कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स क्या होती हैं, CNC मशीन्स क्या होती हैं, एंड जी कोड, एम कोड, ETC, बट बिकॉज वी वर लर्निंग मेकाट्रॉनिक्स तो हम मशीन के इंटरनल गए, हमने देखा कि सेंसर्स कैसे वर्क करते हैं, रिलेज कैसे वर्क करते हैं, रेक्टिफायर, सर्किट्स कैसे बने हुए हैं, क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है। आई मीन इट वॉज रियली वेरी अमेजिंग कि जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। सो ये सब थ्योरेटिकली स्टडी करने के बाद एंड प्रैक्टिकली देखने के बाद अब बारी थी उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की। दैट मीन्स अभी तक जो सर्किट्स हमने सिर्फ नोटबुक में बनाए हैं उनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करने जा रहे थे। तो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले एक मोटर को थ्रू PLC ऑपरेट कराया था, देन फिर लेवल्स बढ़ते गए तो लॉजिक्स बढ़ते गए, एंड लॉजिक्स बढ़ते गए तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनका यूज़ भी बढ़ता गया, एक रिले, दो रिले, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस कैसे ऑपरेट कराना है, कहाँ पर यूज़ होगा, ये सब सीखा। एंड फाइनली हम इस स्टेज पर आ गए थे कि हम एक AC फैन को थ्रू PLC लॉजिक्स ऑपरेट करा सकें। AC फैन को ऑपरेट कराने वाला मोमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा सा
स्केरी भी, बिकॉज वो एसी फैन है ऑब्वियस। अब हमारे पास सिले में दो थे, एक नॉर्मल नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ओके, तो जो नॉर्मली क्लोज वाला है वो कनेक्टेड है हमारा कॉमन से, कॉमन वाला कनेक्टेड है हमारा जो फैन है मोटर से, नॉर्मली कॉमन वाला है ये हमने कनेक्ट कर दिया फैन के प्लग से। ओके, और जो सेकेंड वाला है वो हमने कनेक्ट कर दिया फेस से, ये हमारा फेस वाला है और ये नॉर्मली ओपन ही हमें फेस से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है अपना, सिंपल प्रोग्राम है, इसमें लैचिंग का यूज़ किया गया है, एक इनपुट और एक ऑन बटन है, पुश स्टार्ट बटन और एक पुश स्टॉप बटन। अब हम इसको लागू करेंगे, इसके अलावा हमें 3D प्रिंटिंग कैबिन भी विज़िट कराया गया था, जहाँ पर हमें डिफरेंट मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराया गया, 1D 3D प्रिंटिंग मशीन, 3D 3D प्रिंटिंग मशीन, डिफरेंट मशीन्स थी वहाँ पर और मॉडल्स भी रखे हुए थे, सबसे इंट्रोड्यूस कराया गया, कितना वाइड एप्लीकेशन है 3D प्रिंटिंग का ये बताया गया, और वो सब सुनने के बाद सीरियसली माइंड ब्लो हो गया था। इसके अलावा हमें रोबोटिक्स लैब भी विज़िट कराई गई थी, एंड वहाँ पर मल्टीपल स्टैचूज रखे हुए थे जो कि रोबोटिक मशीन्स के थ्रू बनाए गए थे। एंड सर ने वो मशीन भी हमें इंट्रोड्यूस कराई थी, एंड जब उन्होंने बताया कि हम जो भी अभी पढ़कर आ रहे हैं, स्टडी कर आ रहे हैं, वो सब इसमें अप्लाई हो रहा है, देन वी वर लाइक वाओ। एंड सर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, हमारे मेंटर्स काफ़ी ज़्यादा कूल भी थे एंड फ्रेंडली थे, सो नाउ आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द एडवांस मेकाट्रॉनिक्स ट्रेनिंग। काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।